आज 12 जून, आज साउथ ईस्ट मॉनसून फर्दर हमारा उड़ीसा में एडवांस हुआ है। मेनली नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में आज कवर हुआ है। तो आज जो पोर्शन में एडवांस हुआ है, फुल्ली एडवांस हुआ जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ पुरी का और मोस्ट पार्ट ऑफ नयागढ़ खुर्दा और साम पार्ट ऑफ कटक, जाजपुर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आज हुआ है। तो आज तक हमारा जो एडवांस टोटली हो गया है, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट में फुल्ली साउथ ईस्ट मॉनसून कवर हो गया है। ये डिस्ट्रिक्ट है नवापड़ा, कलाहंडी, नवाबरंगपुर, मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक और मोस्टली कवर हो गया बोलांगीर, कंधमाल, नयागढ़, खुर्दा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली कवर हो गया है। और पार्टली कवर हो गया है सोनपुर, बरगढ़, बौद्ध, कटक, जाजपुर, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट में पार्टली कवर हो गया है। तो अभी जो टोटली जो रिमेनिंग है, ये झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, धेनकेरा, केवंझर, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अभी साउथ ईस्ट मॉनसून पहुंचा नहीं है। तो अगला 24 आवर्स में हमारा बाकी पोर्शन भी कवर होने का चांसेस है। लो प्रेशर एरिया हमारा बे ऑफ बंगाल में जो था, तो अभी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग कोस्टल कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इसका पोजीशन है। अभी इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और अगला 2-3 दिन में उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़ तरह अक्रॉस मूव करेगा। तो इसका प्रभाव में अभी हमारा जो बारिश का जो फोरकास्ट है अगला 4-5 दिन के लिए, इसमें अगला 24 आवर्स में हल्का से मध्यम बारिश मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में होगा और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में होने का चांसेस है। और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल केवंझर, मयूरभंज, ढेंकनाल, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, इसमें होने का चांसेस है। एक्सट्रीमली अभी चांसेस नहीं है, बट इसमें केवंझर, मयूरभंज, ढेंकनाल, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, इसमें हेवी रेनफॉल एक जगह करके होगा और टेम्पोरली वाटर लॉगिंग हो सकते हैं, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और जगत सिंहपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, अंगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, इसमें हेवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है। फिर कल हमारा 13 तारीख में जो रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, इसमें थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट वर्ड में शिफ्ट होगा रेनफॉल एक्टिविटी, बट उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में होगा, कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में होगा हल्का से मध्यम बारिश। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग जो है उसमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, केवंझर, मयूरभंज और हैवी रेनफॉल मलकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहंडी, ढेंकनाल, जाजपुर, कटक, भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा। फिर 14 तारीख में रेनफॉल एक्टिविटी मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम रहेगा, एक दो जगह करके हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केवंझर, संबलपुर और हेवी रेनफॉल देवगढ़, कलाहंडी, कंधमाल, बौद्ध, अंगुल, ढेंकनाल, कटक, बरगढ़, जाजपुर में। फिर 15 को रेनफॉल एक्टिविटी और भी कम हो जाएगा, हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में रहेगा बट हेवी रेनफॉल मयूरभंज, सुंदरगढ़, अंगुल, केवंझर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस नहीं है। डे 5 में मेनली हल्का से मध्यम बारिश ही रहेगा, नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में रहेगा, साउथ उड़ीसा में फ्यू प्लेसेस में रहने का चांसेस है। फिशरमैन को वार्निंग है, फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए क्योंकि स्क्वाली वेदर ऑफ उड़ीसा कोस्ट नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है, 40-50 KMPH का विंड स्पीड हो सकता है। तो फिशरमैन को 14 तारीख को समुद्र जाने के लिए मना है। और पिछले 24 घंटा में हमारा हल्का से मध्यम बारिश हुआ था, हाइस्ट बारिश हुआ था शुरू में 86 मिलीमीटर, काशीपुर में 74.3 मिलीमीटर, एनएस क्रॉसिंग गोविंदपुर में 73.8 मिलीमीटर, भुवनेश्वर में भी बारिश हमारा मॉडरेट बारिश हुआ था 52.3 मिलीमीटर बारिश हुआ था, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही हल्का से मध्यम बारिश था।